असलम डायलॉग विद हिस्ट्री में एक बार फिर मैं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल हाजिर खिदमत गुफ्तगु का सिलसिला जो कुछ दिनों से जारी है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारी खुशकस्मती हमें दस्तियाब है आज एक और सवाल जो दिलचस्प भी है बड़ा पर्टिनेंट भी है आगाज डॉक्टर साहब हम गुफ्तु का इससे करेंगे और अपने सवाल की तरफ मैं बाद में आऊंगा पहले यूं समझ लीजिए कि इट्स अ प्री एम्बल चले यूं समझ लीजिए कि इट्स अ प्रील्यूड ठीक है टू टू आई आस्क हम बचपन से एक चीज़ सुनते चले आ रहे हैं और वो इस हद तक सुनी कि क्लीशे बन गई पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है ठीक है ज़रा इसकी वजाहत काइंडली कीजिए अच्छा इसका इसकी वजाहत इसके ऑपोजिट से करने से होती है एक देखें स्टेट की जो थेरी है अगर आप प्लेटो से शुरू करें या एरिस्टोटल और मेन पॉलिटिकल थेरी में स्टेट का काम है सोसाइटी के अंदर जस्टिस कायम करना और जस्टिस जो है वो है जो इस धरती पे होगा जस्टिस अगर आपने कायम करना है तो उसके साथ साथ जो मॉडर्न उसका एक कॉन्सेप्ट है वो ये है रूल ऑफ द लॉ उसके मुताबिक इंस्टीट्यूशंस बनते हैं पावर की कॉन्सनट्रेशन नहीं होती चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से हर अथॉरिटी जो है ना उस पर एक कंस्टेंट भी होता है ठीक तो ये है एक नॉर्मल स्टेट और जिसकी सर्विस है कि लोगों को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्राइम के ख़िलाफ़ उन्हें प्रोटेक्ट करना दिस इज़ द नॉर्मल स्टेट आइडियोलॉजिकल स्टेट है वो अपने आप पे इन ज़रूरी फंक्शंस के अलावा एक्स्ट्रा फंक्शंस ले लेती है अपने जिम्हें। अपने ज़िम्मे जैसे कि राइट विंग की नार्थ स्टेट का जो था तस्वर वो ये था कि द एरियन रेस इज द फाइनेस्ट रेस इन द वर्ल्ड एंड जूस आर एन नीबल रेस उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी सारी जो है बायोलॉजी की थ्योरी बनाई उसमें से गैस चैम्बर निकले उसमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर निकली उसमें से camps, हुई हाँ camps ये हुई राइट विंग की है आइडियोलॉजिकल स्टेट मार्क्सिज्म जो बेसिकली एक साइंटिफिक रोशन ख्याल आइडियोलॉजी सोच थी जब एक स्टेट की आइडियोलॉजी बन गई जैसे कि सोवियत यूनियन में तो वहाँ पे भी टोटलिटेरियनिज्म आ गया और उन्होंने लोगों की खिदमत बेहद की है इसमें कोई शक नहीं लेकिन वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी और स्टेट की सुपरविजन हर सेक्टर में थी इसलिए आवाम और स्टेट का जो रिश्ता है जो एक कंसेंसुअल होना चाहिए दोनों की तरफ से वो टूट गया और स्टेट बिकेम द बिग ब्रदर ठीक अनटिल इट फेल अपार्ट वेन दे रियलाइज के द पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ सच स्टेट हमारी तो तीसरी किस्म की है कि वी थिंक दैट द स्टेट हैज़ अ फंक्शन टू प्रोवाइड निजात या सेलवेशन अगली दुनिया का जो है हमारा जो हमारे साथ होने वाला है उसका फैसला स्टेट उसकी ग्राउंड पैदा कर देगी पाकिस्तान को जब हम कहते हैं नजर नजरियाती स्टेट तो वो तो इस बुनियाद पर है कि इन्होंने इस्लाम के नाम पे स्टेट को लिया इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान का नारा क्या ला इल्लल्लाह और उल्मा ने और बाकियों ने जा के कहा कि यहाँ पे एक मिसाली इस्लामी रियासत होगी जिसमें खुलफाए राशिदीन के दौर की जो है कदरें वो वापस आएंगी लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने कोई इस किस्म की जो है ना वो फ्लाई स्टेट नहीं बनाई लेकिन इसको आइडियोलॉजिकल स्टेट बना दिया एज़ अ स्टेट ऑफ पनिशमेंट्स हक के दौर में ये आगे बड़ी चीज़ लेकिन उससे पहले भी एक एक करके जमूरी कदरों को इन्होंने साइड पर लगाया और डॉगमेटिक इस्लाम को एक तो है ना इस्लाम जो लोगों की अपनी बिलीफ है कल्चर है उसको छोड़ के एक जोरिस्टिक लिटरल किस्म के इस्लाम को इन्होंने प्रमोट किया जिसमें से एक के बाद एक आगे बढ़ते बढ़ते तो फिर हक का दौर आया और उसने फिर उसकी पूरी शक्ल हमें दिखा दी नहीं सर हाँ। क्या ये कहना गलत है वो क़तें जो गैर मजहबी थीं उस दौर की ठीक है यानी वहाँ के मुसलमान ज़िम्मेदार मुसलमान सियासतदान मुसलमान ब्योक्रेसी ठीक है इसकी अशद ज़रूरत भी थी ख्वाहिश भी थी एक आज़ाद ममलकत चले लेकिन हालात नहीं थे। ठीक है। तो इस व्हीकल को पेसअप करने के लिए एक्सेलरेट करने के लिए उन्होंने को, को, है। को, ठीक ठीक है। है। किया, इस्तेमाल किया एंड दे सडनली बिकेम द इंजन ऑफ दिस क्वाइट राइट और right. बड़ी तेज स्पीड से मैं समझता हूँ क्रायोजेनिक इंजन बन गया वो और वो अगली गैलेक्सी में पहुंच गया अब जब मुल्क नया बन गया तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे उसे टरखा दिया गया वो बेचारे आज तक कह रहे हैं भाई साहब हमें आपने क्या कहा था दिखाया क्या माल क्या दिखाया और दे क्या रहे हो बेशक बेशक तो फिर मौलवी का कसूर क्या है जब वो कहता है आपसे कि जनाब ये मुल्क मैंने बनाया है कायदे आजम ने तो कह दिया ना जी पाकिस्तान का मतलब क्या ला, 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 ला मैंने नहीं कहा ठीक है लेकिन उस उन्होंने बाकियों को कहने दिया तो ये अम्बेडकर ने कहा था कि मिस्टर जिना मेनटेन्स अ वेरी कंस्टेंट फ्रंट एट द टॉप बट लेट्स हिज बेस गो फॉर एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिज़म तो वो ऐसे ही है ना कि आपने तो नहीं कहा और अप्रूव भी नहीं किया लेकिन होने तो दिया ना कि पाकिस्तान के लिए जो वोट लिए गए वो मैंने अपनी जो है ये अपना पंजाब पार्टीशन की किताब में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर ठीक द नाइनटीन फोटी फाइव फोटी सिक्स एलेक्शन कम्पेन वो आप पढ़ लें उसमें सारी जो इन्होंने इस्लामिक इमेजरी इस्लामिक सिंबलिज्म लेके आए हैं वो पाकिस्तान की जो है लेगेसी या हेरिटेज से निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि कायदे आज़म ने उस वक्त कंडेम किया था बड़ी कंटेम्प्ट से ही बात की थी कि ये आप लोगों ने सिर्फ वोट लेने के लिए हाँ ये फोर्टी सिक्स के इलेक्शन में हाँ। आपने इस नारे को एक्सप्लॉर्ट किया तो अब भुगते हैं फिर नहीं उन्होंने ये उनको जवाब दिया कि जी जिन लोगों ने किया आप उनसे पूछें मैंने अप्रूव नहीं किया लेकिन सवाल ये होता है कि ही वॉज द लीडर ही वॉज द कायद उन्होंने इस बुनियाद पे पाकिस्तान के लिए वोट क्यों लेने दिए हाँ। तो आप जब लेने देंगे पॉपुलर ले, सेंटीमेंट जब आप लेने देंगे तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना कि मैं आपके साथ इसलिए आ रहा हूँ कि आप मेरी कदरों के हवाले से एक नया पाकिस्तान बनाएंगे यही और वो तो इस्लामिक थे हाँ। यही तो वजह है कि उनकी पहली तकरीर

लोगों को मोबालाइज़ किया है कि ये मुसलमान नेशन के लिए स्टेट बन रही है और उसकी कदरें जो होंगी इस्लामिक होंगी क्योंकि कायद अज़म ने इस दौरान में सात साल में कई दफ़ा कहा है कि इस्लामिक जो है लॉ उसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान में होगी एक ख़त है उनका पीर मानकी शरीफ साहब को सेवनथ नवम्बर नाइनटीन फोटी फाइव में जी 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 वेर ही कमिट्स के देर इज़ नो रीज़न बाई इन पाकिस्तान द शरीत विल नॉट अप्लाई टू द अफेयर्स ऑफ द मुस्लिम्स जी जी तो ये उन्होंने कह दिया और मौलवियों ने उसके बाद पीर साहब ने वहाँ पर अश्फ़ा के नाम पर एक जिहाद शुरू किया क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो होल्ड था देवबंदियों का तो जो पीर इनके साथ आए पीर मानकी शरीफ वो आज भी है हाँ, वो ही ना तो इन लोगों ने फिर वहाँ पे जिहाद कहा कि हम इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं और कायदेजम ने हमें शोर किया है मैं एक बहफिल में था तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप चले हम आपको वो ख़त दिखाते हैं जो हमने एक अपना वो जगह पर महफूजा हुआ तो आपने देखा वो काम मैंने वैसे नहीं देखा लेकिन ये एक ये कोट किया गया है पाकिस्तान नेशनल असम्बली के डिबेट्स में जो ऑब्जेक्ट रेवोलूशन पे हुआ था और इसको कोट किया था मौलाना शबे अहमद स्मानी ने तो ये ऑल ऑन रिकॉर्ड है तो अब आप कमिटमेंट करके इन लोगों को साथ लाए हैं अच्छा ये कहा जाता है कि उलमा ने पाकिस्तान को अपोज़ किया मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता जिन्होंने अपोज़ किया उनका पाकिस्तान में उसका कोई वजूद नहीं था बहुत थोड़े थे उल्मा हिंद वोज ए यूपी पार्टी एब्सिलट और मदूदी जो थे वो तो पठानकोट में फोर्टी वन में आए थे जमात इस्लामी की अभी कोई ऐसी फॉलोइंग नहीं थी तो जो यहाँ के उलमा थे बरेलवी और जो पीर थे जी जी। उनको मोबालाइज इन्होंने किया है बरेलवीमा सपोर्टेड द पाकिस्तान मूवमेंट एंड ब्रेक अवेमा लेड बाय अशरफ अली थानवी जिनकी खैर 43 में डेथ हो गई लेकिन उनके जो डिसाइपल थे शबीर अहमद स्स्मानी और बाकी जो हैं ये देवबंद के थे जो मुस्लिम लीग में आ गए तो पाकिस्तान के लेने में इस्लाम का नाम बिल्कुल

लाखों व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त और बड़े हम गोश हैं कि आप काइंडली ये बताइए कि कैन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम गो हैंड इन हैंड टुगेदर इन पाकिस्तान यानी जमहूरियत और इस्लाम हम रकाब चल सकते हैं अगर मुझसे आप सच्ची बात पूछें तो मैं समझता हूं कि ये नहीं चल सकते जबकि कहा जाता है कि वमरूम शुरा बैन के जमूरीत तो है ही इस्लाम इस्लाम की मुनाफी नहीं है असल में जमूरीत की जो है ना तारीफ वक्त के साथ बदलती रही है एक है एथेनियन डेमोक्रेसी जिसका आप आपसे ने सुकरात को सज़ाए मौत का दे दिया हाँ जी वो थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजनस की उसके बाद आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी का जो है अपना हॉब्स लॉक एंड रूसो अच्छा उसका जो पहला दौर है अगर लॉक को अगर पढ़ें तो उसने कहा है कि इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ एंग्लिकन क्रिश्चियंस को मिलना चाहिए और प्रोटेस्टेंट्स को सिर्फ प्राइवेट रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए और एथिस को कोई अपना राइट्स नहीं होने चाहिए बिकॉज राइट्स कम फ्रॉम गॉड एंड इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड देन यू शुड हैव नो राइट्स इसी पर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था ऑल आर आर इक्वल इक्वल बट सम मोर दैट्स राइट क्लासिकल उसकी स्टेटमेंट तो पाकिस्तान में क्योंकि अगर आप कहें कि ये एक मुस्लिम डेमोक्रेसी है तो वो हमेशा मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी होगी ठीक उसकी मिसालें देख लें ईरान वहाँ पे इलेक्शन होते हैं लेकिन उसने अपने आप को ओपनली डिक्लेयर किया है कि वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बेस्ड ऑन जाफरी फिक ठीक ठीक है तो इस शिया स्टेट सुन्नी हैं और बाकी मसालिक के जो लोग हैं उनके उसी सोच के मुताबिक उन्होंने राइट्स डिफ़ाइन किए आज तक जैसे हमारे यहाँ हाँ जी ताँ ठीक हाँ, है इसी तरीके से आप देखें सऊदी अरेबिया इज़ अ वहाबी स्टेट ठीक अच्छा वहाँ पे शिया जो हैं वो अंडर प्रोसिक्यूशन होते हैं तो मेरी थेरी ये है कि एनी स्टेट जो अपने आप को मुस्लिम या इस्लामिक कहती है इट इज़ ऑलवेज अ सेक्टेरियन स्टेट तो यहाँ पे आप झगड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान क्या सुन्नी स्टेट बन सकती है या नहीं इस पर रजिस्टेंस है शिया हमारे जो ब्रदरन है उनकी है और इन द सुन्नी फिर मसला है कि ये किन की होगी द्योबंदियों की होगी या अहले हदीस की होगी या बरेलवियों की होगी तो इंटरनल रजिस्टेंस भी है लेकिन अगर इसको हम इंसिस्ट करें कि ये एक मुस्लिम स्टेट है तो इट विल बी वन ऑफ द सब ऑफ द सुन्नीज़

सारी की सारी मसाजिद हमारे अंडर है ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं मुझे तो ये थ्योरेटिकली बात नहीं समझ कितने आती कितने है ये है और सर मैं कथा कलामी की माफी चाहते हुए ये साथ गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे हुक्मरान एक कन्विक्शन के साथ मोहब्बत के साथ तमीज के साथ एहतराम के साथ को बिठाएं बेशक और ये बात करें तो वो लब कहेंगे कि यार ये लो पकड़ो ब्रिंग ऑल द उलमा जो दसाजिद में है दे शुड बिकम ऑफिसर ऑफ़ दबसाट शिया और सुन्नी मसाजिद जो है वो कायम रहें खुदबा जो है वो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन जो है वो तैयार करे और वो बताए कि क्या खुतबा हमारी सारी मसाजिद में एक जैसा पढ़ा जाएगा दुरुस्त जाफरी हमली और हनफी जो तीन यहाँ पे हैं ये स्कूल ये अपनी मसाजिद में उसी तरीके से अपनी नमाज वर्शिप करें स्ट्रिक्टी जो मसाजिद हैं दे शुड बी एरिया प्लेसिस ठीक हो गया नो पॉलिटिक्स नो प्रीचिंग ऑफ सेक्टेरियन पॉइजन जी कहने को थेटिकली सारे कहते हैं लेकिन आ, मैं कहता हूं कि क्यों नहीं करते आप क्योंकि या तो आप नॉन सीरियस हैं अगर अब इसे कहते हैं मुस्लिम स्टेट है मसाजिद स्टेट से बाहर नहीं हो सकती जी जी अब देर दे आर एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट तो उसको फिर सारे स्टेट के डिसिप्लिन में लाए फिर यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिटिकल लीडरशिप कि वो खुदबा एनलाइटन दे रहे हैं या वो एक रिएक्शनरी दे रहे हैं अब तो ये पता ही कोई नहीं ना जो चाहे वो कहना शुरू कर देते हैं एक और मेरे ख़्याल से होनी चाहिए यानी द पोलिटिकल पार्टीज शुड बी रिक्वायर्ड कि कोई पोलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ मजबी ना हो इस्लामिक नाम भी वो रख सकते हैं लेकिन उसमें गैर मुस्लिम मेबर्स भी होने चाहिए मैंबर्स नॉमिनेटेड नॉट फॉर इलेक्शन जो होती हैं दस सीटों के लिए बट इट शुड बी ओपन पार्टीज एंड दे कैन से हम इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं एथिकल उसके मुताबिक अपनी एक प्रोग्राम बनाते हैं आप हमारे लिए वोट दें ये सर इस पर बड़ी वो नाक भू चढ़ाएंगे कराम भी हाँ तो ठीक सियासतदान भी अब मौलाना फजल रहमान से कहा जाए कि भाई आप दो तीन सिख जो हैं हाँ जी एक दो हिंदूज और दो चार वाइन रख लें नोट तो बीजेपी में है कि नहीं है तो वो कहेंगे नहीं कमाल है जगन्नाथ आजाद को कौन इतनी मोहब्बत दिया करता था चलें, जो भी आप आप जानते अगर हैं अगर इस मुल्क के खालिक ने वाकई पहला तराना रिक्वेस्ट करके जगन्नाथ आजाद से लिखवाया था सुना यही है जी लेकिन सर ऐसा ही है और बड़ा खूबसूरत तराना था वो कसूर उस बेचारे का यही था कि वो मुसलमान नहीं मुसलमान नहीं था इसका एक और मिसाल दे दो जी एक थे प्रोफेसर ब्रिज नारायण जो अपने दौर के बहुत बड़े इकनॉमि थे बॉम्बे और कैलकटा और दुनिया में उनको बुलाया जाता था ही वॉज सच अ फेमस प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और ही वॉज़ अ सपोर्टर ऑफ मोहम्मद अली जिना एंड ऑफ पाकिस्तान ठीक और वो कहते थे कि पाकिस्तान जो है आई कैन प्रूव कि ये इकोनॉमिकली वायबल है ये कौन कहता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल नहीं है उसने उन्होंने पूरी वो ब्लू प्रिंट बनाए शो करने के लिए कि पाकिस्तान जो है ये वायबल है अच्छा जब ये फोर्टी सेवन के फिसाद हुए तो ये एक मॉब आया उनके घर उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब पाकिस्तान है अब इन घरों को आग ना लगाएं ये तो अब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है तो प्लीज़ डोंट डू इट तो एक मॉब आके चला गया एक और मॉब आया तो उसने कहा ये कौन है ये तो हिंदू है तो इसको फिर उन्होंने कत्ल कर दिया और उसके बाद जो वो हिंदू जो अभी कायदे आजम में बिलीव करते थे एक ऐसी कैटेगरी जी जी दे ऑल्सो पैक्ट एंड लेफ़्ट और उसकी स्टोरी लिखी है आप तो वो गोपाल मित्तल ने अपनी किताब लिखी है लेकिन उसे कहते हैं कि वो अफसाना है उसको कहते हैं कि ये इसी तरह की स्टोरी हैं जिस तरह की बेपसी सिद्वा लिखती रही है अच्छा नहीं ये हकीकत भी है कि उनका कत्ल हुआ जी जी इस रिश्तेदारों ने मुझसे बात की निकलसन रोड पे वो रहते थे पढ़ी है और उसकी फिल्म भी है फिक्शन है फिक्शन है जैसे मंटो की कई स्टोरी है फिक्शन है लेकिन वो रियलिटी के कितने करीब है स्या हश्ये। स्या हश्ये तो आप देखें हाँ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम या इस्लाम इन डेमोक्रेसी बीइंग प्रैक्टिस उसके ये है कि आप कह सकते हैं सरमोनियल डेमोक्रेसी जो है सरमोनियल इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए अच्छा कि योर प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैव टू बी मुस्लिम्स ठीक और उसकी आप डेफिनेशन हमने कर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में लेट्स स्टॉप देयर आप जो शरिया को पर्सनल लॉ तक तो रखें लेकिन जो है पेनल लॉ और पनिशमेंट्स के ऊपर आप उसे मॉडर्नाइज करें मैं तो कहता हूं कि काबिल रश्क हैं वो लोग जो मुस्लिम बाय चॉइस है हाँ, हम तो है। मुस्लिम बर्थ हैं बर्थ हैं। हैं। काबिल ब वो है जो है। खुद चूज किया आई एग्री मजा तो तब ही है हाँ जी फतिरोज रात आपने आज की गुफ्तु सुनी आपको दावत आम है इसमें शमूलियत इख्तियार कीजिए डायलॉग इज स्टिल ओपन आप इसका हिस्सा बनिए और इसे सब्सक्राइब करते हुए अपनी शमूलियत का इजहार कीजिए बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम डायलॉग विद हिस्ट्री में एक बार फिर मैं हूं आपका होस्ट आफताब इकबाल और हमारे साथ आज भी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद पाकिस्तान के लातदाद मसाइल हैं कोई करप्शन कहता है कोई पापुलेशन कहता है कोई टेररिज्म कहता है आपसे जानना चाहूँगा कि फोकस करते हुए बुनियादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया और मसला क्या है देखें अगर इन सारी चीज़ों का आप कोर फैक्टर ढूँढें तो वो है करप्शन वाह हाँ क्योंकि करप्शन जो है वो सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है वो सोसाइटी को मैल फंक्शन मेल फंक्शन की वा, जो वा, बात वा, है अल्लाह और वो इंसानों के ऊपर शक का है एक्सप्लॉइट करने का है मेनिपुलेट करने की बात है ऑल दिस इज करप्शन मसलहत कोशी है हम नेशनल एक्शन प्लान है, है।, है जी। हा, बिल्कुल हा, हमारे बच्चों को कत्ल हुए आज इतने दिन हो गए हाँ ठीक है और आपने वो जो सो कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान लागू करना था उसे आपने ताके नस्या की नज़र कर दिया हुआ है कुछ लोगों का ख्याल है कि करप्शन जो है वो इन इट इतनी बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि जब सोसाइटीज़ ये जाती हैं ना टेक ऑफ में तो ये चीज़ें भी साथ चलती हैं मैं इसको इकोनॉमिक एक सर्टन लेवल तक तो मांगता हूँ मगर जैसे आप और मैं डिफ़ाइन करें करप्शन वो है टोटल लैक ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन डीलिंग विद सोसाइटी विद पीपल तो ये करप्शन जो है ना ये है एक डी मोरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी वेरी ट्रू हाँ तो उसमें मसलन देखे ना अब जो चीज़ें नज़र नहीं आती इन प्लानर्स को मुझे तो नज़र आती हैं लाहौर मैंने भी बहुत खूबसूरत लाहौर था वेल well मैनेज था दो दफ़ा ट्रक का वो आते थे अपना छिड़काव करने वाले एवरी थिंग वॉज़ कैप्ट ऑर्डर अब तो इतना गंद और इतनी ऐसे लाहौर की तो रूरलाइजेशन ऑफ लाहौर हो चुका है लाहौर जिसकी अपनी एक कल्चरल सोफिस्टिकेशन थी इट्स ऑल गॉन इफ यू हैव द मनी यू कैन गेट एनी वेयर इन लाहौर एंड गेटिंग मनी फ्रॉम ऑल मीन इज एक्सेप्टेड। ये हाउसिंग सोसाइटीज और ये सारा जो सिलसिला है ये हार्डवर्क से तो नहीं है ना ये तो लैंड की एक अननेचुरल वैल्यू बना दी है ये सारे सेक्टर्स को करप्शन फ्री बनाने के लिए भी हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी उसमें मसलन देखें सबसे बड़ी चीज़ तो नज़र आ रही है और जो कंट्रोल हो भी सकती है अनब्राइडल पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी ट्रू अगर आप देखें ना स्कूल भी बनाते हैं आप रोड भी बनाते हैं लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है तो बेनज़ीर भुट्टो से एक दफ़ा उन्होंने पूछा तो उनका मैं क्या करूं? मैं तो स्कूल खोलती हूं, तो उससे ज़्यादा पापुलेशन जो है वो पैदा हो जाती है तो आप देखें बांग्लादेश ने पॉपुलेशन कंट्रोल करके क्या कमाल किया है और उसमें इंसेंटिव क्या है कि औरत को आप डिग्निटी दें एम्पावर कर दें एम्पावर कर दें उसकी अपनी इनकम हो उसका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो तो उस ख़ानदान में भी जमहूरियत आ जाती है क्योंकि दोनों के पास दे आर ब्रिंगिंग मनी इन टू द होम तो देन दे कैन सम ऑफ़ रिलेशनशिप औरत आप पे टोटली डिपेंडेंट है तो फिर आपका ही हुक्म चलेगा तो ये सारी चीज़ें बच्चों का ज़्यादा होना भी जो है ये मर्दों का कंट्रोल है औरत पे सो so, मेरे ख्याल से इस मसले को भी हल करने के लिए यू हैव टू टैकल दिस थिंग्स सीरियसली कैसे कोई सजेस्ट कर कीजिए ना आप देखे ना आप उल्मा, कोई नुस्खा है कीमिया बताइए हमें देखें एक तो है ना चाइना वाला फार्मूला वो हम तो नहीं करते ना, वो ना। कर भी नहीं सकते आप जैसे मैंने कहा इंसेंटिव तो देना शुरू करें लेट वेमन कम आउट इन इन द पब्लिक स्पेयर छोटी छोटी अपनी वो एंटरप्राइजेस शुरू करें हो भी रहा है लेकिन ये अलीट करती है फैशन शो कर देते हैं कपड़े डिजाइन करने वाले आ जाते हैं लड़की हैं बड़ी वुमेन एंपावरमेंट सिर्फ और सिर्फ हैव्स के यहाँ है हैव हाँ, नॉट्स के यहाँ नहीं है दैट्स राइट तो आई एम सेइंग हैव्स नॉट हैव टू बी एम्पावर्ड और वो जब होंगे उनमें एजुकेशन लाएं आप अच्छा एजुकेशन का इशू भी अगर आप देखें तो बहुत सीरियस है पाकिस्तान में हमारे करप्शन की बुनियाद फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है हम जो अपने निसाब में पढ़ाते हैं वो बेशतर झूठ है और ये अपना मिथोलॉजी है हम इस मौजूब पर एक सेपरेट नशस्त करेंगे कि हमारा नसाब ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा अलमिया हमारा चले आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ मेरी थीरी व थी क्या है मेरा मानना शुरू से यही है शुक्र अलहमदिल्ला के करप्शन से अल्लाह ताला ने जो मेरे दिल में जो नफरत पैदा कर रखी है इससे मुझे नुकसान भी होते हैं फायदे भी तो होते हैं वो अच्छी बात है नुकसान होने चाहिए जी वो होने चाहिए हाँ, हाँ। लेकिन मैं करप्शन को हमेशा कॉज समझता हूँ मैं भी कॉज पॉपुलेशन इज इफेक्ट हाँ पॉपुलेशन इज एन इफेक्ट टेररिज्म इज एन इफेक्ट इज इन इफेक्ट दैट साइट ये करप्शन नहीं है कि आप बच्चों को लेके

कॉल और फेल में कुछ तो होना चाहिए हर तरह की agree, I agree, I agree, I agree. और हमारा मीडिया भी उसमें बराबर का शरीक है अच्छा sure, sure. सर हाँ। अब एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ बल्कि एग्जैक्टली नाइनटीन सिक्सटी एक वाटर एक अहम साल के एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और इतफाक से वाटर का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है इंडस बेसेंट्रिटी साइन ठीक है ठीक है without going into the details that the water issue was not resolved before uh, uh, going for the partition. that is another issue. it will आ, बेशर, open बेशर, another बेशर, pandora's बेशर. box. Okay? है, है. what i want to ask from you is what is your take on this treaty? i personally think that it was a good treaty mishandled by our mismanagers. मी इफ आई नो आई थिंक वॉट यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू से उसकी थोड़ी सी आप यूं चीज़ें देख लें जो इस ट्रीटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ट्वेंटी परसेंट इंडिया को पानी मिला है और एटी परसेंट पाकिस्तान को मिला है सो इजन दैट इन इट सेल्फ अ ग्रेट ग्रेट गेन फॉर पाकिस्तान क्योंकि ये तो है हम लोअर रिपेरियन है अगर वो ब्लॉक कर दें तो वो हमारा कई रिवर्स का पानी कर शी? सकते हैं सबका शायद ना कर सकें कुछ ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान में ही आते हैं लेकिन कुछ कश्मीर से आते हैं जिन पे इंडिया का है कुछ इधर से आते हैं हिमालय से गेटिंग 80 परसेंट ऑफ द वाटर ऑफ द फाइव रिवर्स एंड इंडस जो है इज़ अ अक्सलेंट जॉली गुड ट्रीटी फॉर पाकिस्तान और अब अयूब खान की वो पढ़े फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स ही एट लेंथ एंड ही प्रेजेस जवाहरलाल नेहरू दैट ही केम एंड वॉज़ वेरी सिंसियर एंड द एक्सेप्टड द ट्री लेकिन ट्रीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी ऑब्लीगेशन हैं उसमें है कि एज़ द वाटर इशू गेट्स यू नो वक्त के साथ इसमें कॉम्प्लीकेशनस आएंगी तो आप रीनिगोशिएट करें कि इस ट्रीटी के फ्रेमवर्क में रहते हुए हमने दोनों ने कैसे अपनी अपने इंटरेस्ट को देखना है तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जो है दो तीन दफा आर्बिट्रेशन के लिए गया और वो आप होल्ड हुआ हाँ, आप हाँ, right. हाँ, तो आपकी हाँ, हाँ, तो आप आप अपनी कोताही है इंडिया फॉर दैट इंडिया मे नॉट द बेस्ट इंटेंशंस बट दे फॉलो द ट्रीटी ये तो आप साबित हो गया है दो दफा कम से कम या कुछ लोग कहते हैं तीन दफा आर्बिट्रेशन हो चुकी है और हर दफ़ा उनका जो है मौक़ वो इन द फ्रेमवर्क है थोड़ी सी उन्होंने कहा है कि आप ज़रा ज़्यादा ऊंचा बना रहे हैं इसको थोड़ा सा नीचे बट दैट्स दैट कैन ऑलवेज़ बी डन द प्रॉब्लम इज़ गुड फेथ इन गुड फेथ इंडिया एंड पाकिस्तान कैन वर्क वनडर्स मैं अब ये बार बार कह रहा हूँ इन दो मुल्कों की जो लोगों का कल्चर समझ म्यूजिक सूफी कदरें योगी कदरें इतनी ज्यादा मिलती आप है। समझते हैं मैं तो बिल्कुल समझ ये इकट्ठे तो। फिर से इन में दूर रहते हुए अलेदा अलेदा रहते दो हुए, हुए दो मुल्क होते हुए। ये दो मुल्क होते हुए दो दोस्तों की तरह रह सकते हैं मेरे ख्याल से अगर कोई दो मुल्क एक्चुअली दोस्त बन के रह सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तानी जितने भी गए हैं हिंदुस्तान मुझे नहीं कोई मिला जिसने कहा हो कि हमारा एक्सपीरियस जो है वो बड़ा नेगेटिव है या नास्टी है नहीं दुरुस्त है सब मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस हाँ। इतना शानदार है हाँ, तो वो क्या ए, वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ लेकिन मैं कहता हूँ नफरत के बीज इस शिद्दत से बो दिए गए हैं कि मैं ना चाहते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात माननी पड़ेगी हाँ। कि ये बीज नफरतों के सदियों पुराने हैं ये सत्तर साल के नहीं हैं इसके पीछे हजार साल की तारीख है और ये जाते जाते जाएंगे चुनाचे इतने बगलगीर मत हो जाओ एक दूसरे से कि एक अगर दूसरे को धोखा दे तो सस्टेनेबिलिटी अपनी रखिए ताकि इतने डिसोल्यूशन और डिसमेड हो जाएं ठीक है कि जिंदगी से आपका ऐतबार ही उठ जाए चुनाचे मैया न रवि चले इस हवाले से भी मैया न रवि डॉक्टर साहब हम कल इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू लेकर आएंगे खुदीन हुजरात आपने गुफ्तगू सुनी आप इस डायलॉग का हिस्सा बनिए मैं हमेशा एपिलॉग के तौर पे यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करते रहिए आफ्ताब इकबाल को इजाज़त दीजिए खुदा अस्सलाम वालेकुम डायलॉग विद हिस्ट्री में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज भी तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस माय हमारे यहाँ बैक वक्त चार पाँच नसाब तालीम जारी वारी हैं और एक अंधे घोड़े की तरह ठीक हम सरपट भागते चले जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं कि रास्ते में क्या आ रहा है और किस चीज़ से हमने टकरा जाना है होना क्या चाहिए आप एक एकेडेमियन एक होने के नाते क्या समझते हैं कि हमारा मयार तालीम और नसाब तालीम क्या होना चाहिए देखिए जी मीरे तालीम तो ये होना चाहिए कि आप क्वालिटी पर जोर दें और स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो इस अपना सोसाइटी के सबसे ज़्यादा डिप्राइव लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाए तो एक प्रोसेस है इंक्लूजन का और उसमें स्टेट हेल्प करे जैसे बात पहली दफ़ा भी हो चुकी है कुछ बच्चे जो है, वो जरिये माश माश होते होते हैं वो माश होते हैं ठीक तो कई लोग ये मिसाल देते हैं मैंने कहा यार ये अजीब सवाल आप, आप जवाब देते हैं ये उस बच्चे को सज़ा क्यों मिले भाई ये तो मुआरे ने उसको लेट डाउन किया है ठीक तो आप वहाँ पे ऐसे खानदानों की मदद करें और बच्चों को एजुकेशन में लाएँ ये तो एक ये बात है दूसरी बात है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि एजुकेशन एम्पावर्स यू पावर इन इट कैन बी टू अचीव समथिंग और फॉर समथिंग टू होता है जब वेन यू वांट पावर ओवर अदर्स ठीक एंड फॉर होता है वैन यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग गुड आउट ऑफ इट ठीक सो पावर फॉर एजुकेशन फॉर सर्विंग पीपल क्रिएटिंग एन एनलाइटन वेल इन्फॉर्म्ड बैलेंस्ड सोसाइटी ये मौक़ लेके अगर आप आगे आगे चलेंगे तो आपको ये लाजमी हो जाएगा कि आप किसी रेस को किसी मजहब को टारगेट ना बनाएँ आप दुनिया में जो भाईचारे के सबक हैं और वह हर माशरे में मिल जाते हैं उनसे अपना रबता रखें आप दुनिया में अमन की जो बातें उनको फरोग दे नसाब तालीम क्या होना है तो नसाब तालीम जो है वो इन्हीं बुनियादों पर होना चाहिए ह्यूमन डिवेलमेंट पे जोर होना चाहिए बेसिक एजुकेशन यही है कि क्यूरोसिटी बच्चे में पैदा की जाए टू लर्न ठीक नेचर को समझा जा जाए स्वीडन में जो बच्चे हैं छोटे छोटे घर आते हैं तो वो आपको वालदान well को मैंने देखा बता रहे होते हैं जो नेचर में जो चीज़ें हैं ना इनसे प्यार करते हैं ये मेरे बच्चों ने मुझे आके कहा है तो ये वहाँ पर सिखाया जाता है कि नेचर के साथ आप रबता जो है वो फ्रेंडली रखें आप इर्द गिर्द जो जानवर हैं उनसे भी प्यार वाला रिश्ता रखें यहाँ पे ये इस किस्म की कोई ना नेचर की रिस्पेक्ट है ना कुछ और है यानी हम ना तो ट्रैफिक सेंस समझा ओ, पाए। का माफ आपने वो क्या कहते हैं मेरे वो छोटी ये कचहरी रोड क्रॉस करना तबा, 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 तबा। मुझे अपनी जान पे तीन दफा खेलना पड़ता है अच्छा वो ये देखते हैं कि ये खड़ा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं गुजरने की वो और तेज कर देते हैं अच्छा सर ये किसने डिवाइस करना है एक अच्छा काबिल अमल नसाब तालीम ये आपके जो टॉप हैं एजुकेशनिस्ट उनको आप इन्वॉल्व करें हायर एजुकेशन कमीशन को इसकी दोबारा आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें कि अच्छे लोग वहां पे आए वहां पे भी बहुत करप्शन है हर जगह करप्शन आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ मुझे एक मुसवदा आया कि जी ये पोलिटिकल थेरी की एक किताब है जो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी एवेल्यूशन करें तो मैंने जब देखी तो आई कुड नॉट बिलीव इट प्लेटो और एरिस्टोटल का वो बुरा हाल था वहाँ पे सेंटेंस जो है करेक्ट ग्रामर नहीं है सिंटेक्स कोई नहीं है कोई रब्त नहीं है सोच में और लगता है कि जिसको ये मिला था उसने किसी स्टूडेंट को दे दिया होगा आगे कि तुम ये दो तीन किताबों में सना कर दो तो मैंने फिर बैठ के सारी सारी रात एक एक पैराग्राफ में ग्रामर की गलतियाँ निकाली उसकी अपना कॉन्ट्रडिक्शन और फैक्चुअल गलतियाँ निकाली सो आई मेड प्रॉपर रिपोर्ट अब अगली देखें आप मैंने पूरी तैयार करके रिपोर्ट भेज दी हायर एजुकेशन कमीशन से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही मैंने कहा यार रिपोर्ट आई हैव सबमिटेड नो नो रिस्पांस रिस्पांस फ्रॉम यू फाइनली आई सेड यू नो आई राइट अ वीकली कॉलम इन द डेली टाइम्स और मैं ये आपकी जो है ना ये हरकत ये पूरी लेके आ रहा हूँ ऐसी किताब का मैंने स्ट्रॉगली अपोज किया कि पाकिस्तान पे और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है वाई डू यू वॉन्ट टू इंसल्ट पाकिस्तान विद दिस नॉन सेंस तो होता है ये है कि कनेक्शन से इन्हें मिल जाती है किताबें लिखने का तो यू कॉल इट हायर एजुकेशन कमीशन वॉट इज इट हाई अबाउट एंड वॉट इज यर कमीशन अबाउट सो नाम बहुत बहुत बड़े हैं क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं है मेरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ आई गॉट एन एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन फ्राम असिस्टेंट प्रोफेसर टू प्रोफेसर फॉर अ यूनिवर्सिटी और जो उनकी अपनी थी ना जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा था टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज और वट एवर एंड देन रिसर्च और योर वो ना आई फाउंड दैट दिस फेलो हैड नॉट एवर टॉट इन एनी हायर एजुकेशन ओनली इनिशियली जब उन्होंने एम ए किया था तो किसी कॉलेज में आफ्टर दैट ही वॉज वर्किंग विद पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट तो वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब था सो ही डेंट फिल फुलफिल दैट और फिर उस मौसूफ ने एक आर्टिकल को पाँच दफा पब्लिश करवाया था बाई चेंजिंग द टाइटल नोट्स भी वोई हैं वो गलत अंग्रेजी और गलत लॉजिक भी वोई है ही मेड नो एफर्ट सो हाई वेन थ्रू And showed them one by one that, for God's sake, Only in when you make somebody a professor, he is supposed to be at the top of his profession, and he has to have an independent theoretical base. I can find you at least five thousand so-called lecturers and professors from this country. I know. Equally capable of doing this kind of. Boy, So, yes, sorry, corruption ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई कैन बाउस फॉर देट एक दफ़ा मैं बेंगलोर में वहाँ जो उनकी आईटी की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैंने लेक्चर देना था तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिस गेट से हम अंदर जा रहे थे हॉल में तो वहाँ लोगों ने पूछा सर ये बताएं आप कि ये पिछले दिनों तीन हफ्ते पहले यहाँ पे कोई टेररिस्ट आए हैं और उन्होंने बम चलाया और तीन चार हमारे लोग मारे गए अब वाई डू द हेट अस सो मच यानी पाकिस्तानी पाकिस्तान इज़ हेट अस ये उन्होंने इंडियंस ने पूछा मैंने कहा एक्चुअली द पाकिस्तानी डोंट हेट इंडियंस एंड इंडियंस डोंट हेट पाकिस्तानी मगर ये वो लोग हैं पाकिस्तानी जो रक्षा चलाते हैं जो ठेला होता है उनका दुकानों पर वो सेल्समैन होते हैं जिन्होंने हमारे नसाब तलीम से वो नफ़रतें नहीं सीखी हुई नहीं। और वो एक प्योर इंसान के तौर पर कोई आता है तो कहते हैं बीबी जी साढ़े और चाय ऑफर करते हैं तो... या, हाँ, ये आते हैं ना हाँ, जब साहब हाँ जी हमारे सिख यात्री आते हैं ये जब नारोवाल आते हैं आई एम श्योर पंजा साहब आते हैं ये हसन अब्दाल जरा पूछिए इनसे क्या क्या हो भगत और नॉट ओनली सेक्स ये कटास राज मेरे कई दोस्त हैं जो हिंदू हैं उन्होंने कहा जी इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और कुछ तो ऐसे हैं जो कि आर एस एस इन्फ्लुंस थे उन्होंने कहा आप लोगों को मिल के तो आज से एंटी पाकिस्तान जो हमने बातें सुनी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं जब मैंने ये जवाब दिया ना कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट लो क्यों है मैं तो हमेशा वरिड था लेकिन आज मुझे लगता है कि क्योंकि लोग इतने ज़्यादा इस हिसाब से पढ़े नहीं इसलिए वहाँ पर उनके दिल खुले हैं और वो जो भी आता है हिंदुस्तान से उसको गले मिला लेते हैं यानी हाँ, है।, है। <laughs> तो वहाँ पे वो वहाँ पे भी अपना हासा गया जिसे कहते हैं कि हाँ यार, यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।, जो है ना हमारा इसको That's the right word. इसके अलावा क्या क्या होता है अब नाम बड़े अट्रैक्टिव है ना हायर एजुकेशन कमीशन इट इज नीदर हायर वो कहते हैं वॉल्टियर का खूबसूरत फकर याद आ गया Ke the holy roman empire is neither, neither holy haan. nor roman. Haan. it is not even an empire. empire <laughs> so all this high-sounding thing has to come to an end. who will bell the cat? yes, this is now exactly that, what i was going to ask haan. you. actually, i have no answer. i think you, i, and people who are listening to this have to create a culture of protest. जो डेमोक्रेटिक हो लिखें आप आर्टिकल्स लिखें और जो तरीके हैं पीसफुल रेजिस्टेंस के वो आप लाएं कि ये मुल्क जो है इट्स नॉट फॉर प्रोस्टिट्यूशन ऑफ़ रिसोर्स एंड इट्स इंटेलेक्ट इट इज़ अ सीरियस बिजनेस भाई 22 करोड़ पीपल लिव हेयर इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और यहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें माफ़ करें आप ज़रा इंडिया क्रॉस करें तो आपको ट्रैफिक लाइट्स की रिस्पेक्ट से पता लग कि जाएगा हाँ। अच्छा। अच्छा। किसी, किसी डायरेक्शन का नहीं पता हाँ। लेकिन आप एक बात पे बता देंगे कि ये पाकिस्तान है वो इंडिया है। क्योंकि आपकी तरफ सारे दरख्त कटे हुए अच्छा यहाँ और वहां हरियाली है ग्रीनरी एक और मजीद हमारा मसला है दर काट के

लेट्स बी ए पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन लेट्स बी ए पार्ट ऑफ दिस डायलॉग अपने आरा से हमें आगाह करते रहिएगा हम इसी तरह अपने दिल के ज़ख्म कल भी करे देंगे मकसद सेडिज़म नहीं है मैसचम नहीं है मकसद सिर्फ और सिर्फ असलाह है तरक्की है बेहतरी है राहें तलाश करना है आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए डायलॉग विद हिस्ट्री में मैं हूं आपका होस्ट आफताब इकबाल और आज भी गुजशत चंदायाम की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब सर कल्चर आपको यकजा करता है जबकि सियासत तकसीम जी बेशक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ुर में आप क्या कहेंगे ये तो बल्कि क्लासिक मिसाल है कि जब जब कल्चरल ये हुई है मौके आए हैं तो जो पार्टिसिपेशन है वो इतनी स्पॉन्टेनियस है जितने पाकिस्तान से वहाँ आर्टिस्ट गए हैं तो महफलों में जो जादू वहाँ पे इन्होंने किया है वो आज तक उसका जिक्र होता है और वहाँ से अगर कोई आ गए हैं कभी वहाँ से इंडियन ने आर्टिस्ट बहुत कम आने दिए हैं एट द वर्स्ट ऑफ टाइम्स पाकिस्तानी रिमेन द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इंडियन फिल्मस एंड म्यूज़िक एंड इवन क्लासिकल म्यूज़िक ठीक क्योंकि कल्चर के रूट्स जो हैं वो इमोशंस में सेंसबिलिटीज में एस्थेटिक्स में इतने ज़्यादा डीप रूटेड है हमारे और वो हैं सारे शेयर्ड तो वो तो ऑबियस है कि कल्चरली वी आर द क्लोजेस्ट टू पीपल ऑफ इंडिया लैंग्वेज वाइज एंड इन अदर नो लेकिन ये लेटली uh, हाँ जो कुछ हम देखते रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तानी फनकारों के साथ जो बदसलूकी होती रही लगता नहीं है कि अक्सरियत कल्चर का फ़रोग चाहती है एक्सचेंज चाहती है बेशक लेकिन वो अक्सरियत हमारी नस्बत उनके यहाँ ज़्यादा यरगमाल बनी हुई है एक छोटी सी माइनॉरिटी के हाथों ये शायद इस इन हालात में दुरुस्त लगता है और ये जो एक माइनॉरिटी वेरी एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान आप एंटी कह सकते हैं वो यही कहते हैं हम एंटी पाकिस्तान हैं हम एंटी मुस्लिम नहीं है खैर ये उनका कहने का तरीका है ये वैसी के डर सकते बेल बिल्कुल बिल्कुल वो एक ही बात है गवर्नमेंट इन पावर है उसमें कई आर एस एस बहुत है राइट right विंग का बहुत इन्फ्लुएंस है ये उनकी सबसे मज़बूत गवर्नमेंट है तो उसमें से ये चीज़ें तो होंगी फिर भी वहाँ पे आवाज़ें अगर आपने फॉलो किया है तो कई लोगों ने इसको अपोज़ किया है जी यानी फिल्म इंडस्ट्री में जी 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 आ, ना सिर्फ वो के जो प्रोड्यूसर थे और उनकी वो इफेक्ट हुई है बल्कि अदर्स देखें जी ओम पुरी साहब जो हाँ। हैं उन्हें हमेशा हम बड़े अच्छे लफ्जों से याद करते बेशक 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 ओम जी का एक बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा नाम मैं है। समझता हूँ पहले वो एक बतौर एक्टर एक आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा नाम थे लेकिन अब तो तारीख रकम कर गए वो उनकी इन खिदमात पर ज्यादा याद करेंगे कि उस शख्स ने उस वक्त कलमा हक कहा ठीक है जब उसकी अशद जरूरत वाह वाह वा वा। इंडिया फ्लरिश करता है तो इसका मुझे दुख नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे हाँ। तो ये होना चाहिए कि मैं इंडिया से बेहतर इज नॉट नेसेसरी अब ये बात है कि कॉन्फ्रेंटेशन दोनों तरफ से हो रही है आप देखें जब यहाँ पे आए हैं वाजपाई बस लेके पूरी जी जी दोस्ती बस। तो जमात इस्लामी ने वहाँ पे रोडे भी चलाए वाघा के ऊपर और ये सारी

और वो आगे बढ़ती नहीं है बात मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा कामयाब जो हुआ है ना इसमें वो मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी हाँ, का एफर्ट है बड़ी बड़ी और एफर्ट। वो जो उन्होंने देखे बीजेपी कांग्रेस की हुकूमतें दो हुकूमतें हमारे यहाँ आर्मी वैली के कश्मीरी लीडर सबको उन्होंने कैरी किया है और उन्होंने किसी ने नहीं किया कि इन्होंने हमसे बात की है और दिस इज़ ऑल राइट तो ऐसे भी एफर्ट हो रहे हैं ये इसमें गुडविल भी नजर आ जाती है नहीं इसमें दो तीन और बड़े सरकर्ता शख्सियत हैं और मैं जाती तौर पे प्रोफेसर समझता हूँ कि जो रे ऑफ होप है ना अगेन आयरोनिकली वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही नजर आती है कि जो रिटायर्ड जर्नल है ना हमारे अच्छा दे कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल वेरी गुड मतलब एक जनरल नसीर है जनरल नसीर Akhtar हां जी हां जी ये जो कोर कमांडर कराची हुआ करते थे मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ बहुत अच्छी तरह कमाल हाँ। का मतलब है उनका बड़ा एक रोल है इस चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी फिर जनरल मोहम्मद अली दुरानी हाँ उनको भी मैं जानता जनरल हाँ, 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 कहते हैं इसी है। तरह ही जनरल हमीद गुल उनका और मेरा सियासी मसलक इस हवाले से एक ही था कि सो लॉन्ग एज माई नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट अंडर

वो लाइफलेस हो जाता है तो हालात इतने बदल गए हैं ये सी पैक कहा तो किसने सोचा था कभी किसी के बेहमो हाँ। गुमान में भी हाँ। नहीं था कि ऐसे भी दुनिया बदलेगी और मैं तो एक नई बात करता हूँ और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इन शुचर से बाद लोग करेंगे कि सी पैक के मेजर बेनिफिशरीज में से एक इंडिया भी होना चाहिए होना चाहिए एक्चुअली अगर आप चाइना की प्लान देखें तो वाघा से जो वो कनेक्ट करते हैं ऑल द वे टू नेपाल वो रूट भी बनता है इसलिए चाइना अगर इसको डेवलप कर रहा है नेक नियति तो असल चीज हाँ, नेक, नेक नियति है हाँ, know, I know, I know, दोनों know. जाने इधर आ, भी आ, उधर भी और इवन चाइना की तरफ भी क्योंकि चाइना भी एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर नटशल में अगर समोना पड़े कि क्या क्या मेजर स्टेप्स हमें लेने चाहिए फिल फॉर इंडिया पाकिस्तान जेन में रखते हुए कल्चर को सियासत को जहन में रखते हुए सबसे पहले वीज़ा रज़ीम जो है ना उसको नॉर्मलाइज किया जाए ठीक ये हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के एक्सचेंज से शुरू होती है बात ठीक उनके कल्चरल ट्रुप्स आए हमारे वहाँ जाएँ एक तो है ना ये जाते हैं आर्टिस्ट एज इंडिविजुअल्स ये एक डेलीगेशन में एक पूरे गुडविल मिशन जो जो है वो आनी शुरू हो रहे हों दोबारा देखें उर्दू की बहुत अट्रैक्शन है अभी भी हिंदुस्तान में सारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी बेस्ट सॉन्ग राइटर्स डायलाग राइटर्स यूज उर्दू तो ये उर्दू एक बहुत बड़ी कनेक्टिंग लैंग्वेज है विच कनेक्ट नॉर्दर्न इंडिया ठीक जिसको पॉलिटिक्स में आके हिंदी वर्सेज उर्दू बना दिया गया जो भी भला सा नाम रख लें उसका जो कम्युनिकेशन को बढ़ाए इबला उसका मकसद है चाहे वो हिंदी है चाहे उर्दूट कामयाब है वो पॉलिटिक्स थी कल्चर यही है कि कल्चरल अच्छा एक्सचेंज हाँ, होना चाहिए वीज़ा रिजीम नॉर्मलाइज सॉफ्ट करनी चाहिए उसे और यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ जो हैं कोऑर्डिनेट होने चाहिए ताकि वहाँ का निसाब और यहाँ के निसाब में जो नफरतें हैं बैठ के कमिटीज बने और उनको शेयर्ड कल्चर के हवाले से ना दोबारा कंटेंट उनका बनाया जाए तो यहाँ से जुलूस नहीं निकाल देंगे हमारे हॉक्स और उनके हॉक्स ये तुम क्या करने लगे हो टू नेशन थेरी की बेहरमती कर रहे हो टू नेशन थेरी प्लेड आउट इट्स रोल और उससे पाकिस्तान बना मैं समझता हूँ ये दो नज़रियात थे पिछली सदी के और बड़ी कामयाबी से हम किनारे एक एक-एक नजरियाती कायम कर दो, ये को रोकेगी। That's right. और ये रोकेगी। दोनों हुई है वो नया मुल्क बना बना देगी। देगी। वो वो उसके जो हैं, तब समझ नहीं आए वो भी हमको अब नजर आ गए हैं कि इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग स्टेट बट इट हैज बीन टोटली totally अनफुल हाँ। मैंने आपसे जो गुफ्तु की थी कि ये ज्यादती है उन रेडिकल्स के साथ उन मजहबी कुतों के साथ जिन्होंने एक नज़रियाती रियासत बनाई बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ी कुर्बानियाँ तो उन बेचारों ने दी है। मतलब है ये सिर्फ दरिया सीधी करने के लिए थे मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कुर्सियाँ सीधी करने वाले थे इन लोगों ने बड़ी मेहनत की ठीक है पाकिस्तान का मतलब क्या ला, 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 ला कोई उसको ओन करे या ना करे ये, तो ये नारा है। था, है ये लगा और इस नारे ने 1946 से अपना जादू जादू दिखाना, दिखाना शुरू जादू कर दिया था बिल्कुल सही है सुपोज आज ये लोग अक्सरियत में आ जाते हैं डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट हाँ ठीक है तो जैसे आज भी मैं समझता हूँ कि 65 परसेंट के करीब राइट का वोट है यहाँ पे ठीक है थर्टी फाइव परसेंट लेफ्ट का है या अदर्स है ठीक है ठीक है तो ये आ जाते हैं पावर में ठीक है ओवरऑल और देखा जाए तो आज भी इसकी मैनिफेस्टेशन आपको मां सिवाय सिंध के अच्छा तमाम सूबों में ठीक है वहां पर एमएमए नहीं है लेकिन इमरान की अक्सरियत इमरान की पार्टी भी देखा जाए तो राइट विंग पार्टी है राइट विंग। वो लेफ्ट विंग वार्टी नहीं है चले ठीक इसी तरह पंजाब में है बलोचिस्तान में भी ये राइट ऑफ सेंटर कह लें ले। लेकिन ये लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं है नहीं है 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 नहीं तो बतदरीज ये सिलसिला चलता रहता है सिंध भी इसी असर में आ जाता है तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के कल्चरल मरासम क्या होंगे इस पर जरा रोशनी डालिए राइटर की भी कैटेगरीज बनाए ना अगर राइट ऑफ सेंटर है तो जैसे मसलन शरीफ बरदरान जो है इनमें भी सुना है गाने का भी शौक है ऐसे राइट ऑफ सेंटर के हम खिलाफ नहीं बस शुक्र हाँ, मैं आपको इधर ही लाना चाहता हूँ कि सारे राइट और राइट ऑफ सेंटर हम एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ है वो नहीं है जो एक्सट्रीमिस्ट हाँ ठीक है और मेरा ख्याल है उधर भी ऐसी ही ऐसे ही है ऐसे ही है डॉक्टर साहब आपके साथ गुफ्तु का ये सिलसिला इंतहा खुशगवार रहा बहुत मैं झाती तौर पर बहुत शुक्र गुजार हूँ आपने इंतहाई तंग वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला तशरीफ लाए खुद नजरात आपने प्रोफेसर डॉक्टर इश्ताक अहमद की इंतहा लाजवाब खुशगवार और खुली डुली बातें सुनी ये बातें आपके अंदर कुछ अरताश पैदा करें कुछ एनकरेज करें आपके जौक को इल्मियत को उभारें तो आप अपनी आरा से भी हमें वक्तन वक्तन आगाह करते रहिए आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह हाफजन